अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। गाइस, आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज़ कंज्यूमर साइकोलॉजी। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन होती है और आपको वीडियो भी मिलती है। सो व्हाट इज़ कंज्यूमर साइकोलॉजी? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच कंसर्न with the market behavior of consumer and also see the preferences, customs and habits of a consumer। ठीक है, यानी कि एक बंदा है जो चीज़ें कंज्यूम करने लगा है, जो चीज़ें बाय करने लगा है, उसके क्या कस्टम हो सकते हैं, क्या उसकी हैबिट्स होंगी या क्या हो सकती हैं, उसके मुताबिक वो जो है वो अपने प्रोडक्ट को जो है वो प्रमोट करवाते हैं। ठीक है, इसमें एक कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट बताता है कि आपने जो है ना एडवर्टाइजिंग कैसे करनी है, कंपेन कैसे चलानी है, न्यू प्रोडक्ट को जो है वो कैसे लेके आना है, और कंज्यूमर को के कंज्यूमर जो है ये चीज़ें ख़रीद रहे हैं उसके एटीट्यूड को देखते हुए आपने ये चीज़ करनी है, उसके हैबिट्स को देखते हुए आपने ये चीज़ करनी है, उसके जो है ना वो कस्टम, उसके रिवाज क्या हैं, उसके मुताबिक आपने ये चीज़ करनी है। तो ये कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट देखते हैं। कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट का काम होता है चीज़ों को टारगेट कैसे किया जाए, मैसेज कैसे पहुंचाया जाए, प्रोडक्ट को डिज़ाइन कैसे किया जाए, प्राइसिंग कैसी होनी चाहिए, चीज़ों को प्रमोट कैसे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये देखा जाता है कि कौन सा कलर होगा जो कि हमारे कंज्यूमर्स को या जो चीज़ें ख़रीदने वाले हैं उनको अट्रैक्ट करेगा, तो वो चीज़ें बाय करेंगे। इतनी प्राइस होगी तो ये अट्रैक्ट करेगी और लोग चीज़ें बाय करेंगे। ठीक है, मैसेज हमने कैसे पहुंचाना है, ये स्लोगन होगा, ठीक है, और ये अल्फाज होंगे या इस तरीके के अल्फाज हों या इस तरीके की बात हो तो जो है वो हमारी चीज़ प्रमोट होगी। और जैसे कि हैबिट्स देखी जाती हैं कि जी एक जैसे कि मैकडोनल्ड है, अगर वो सऊदी अरब में है तो वहाँ पे औरतों और मर्दों के लिए अलग है, कस्टम उनका ये रिवाज है कि जी औरतों और मर्दों के लिए अलग है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए चीज़ को आगे किया जाए। हलाल, वहाँ पे हलाल चीज़ों को प्रेफरेंसेस हैं तो जी हलाल ही बेची जाए। तो लेकिन अगर कोई और मुल्क हो जहाँ पे इस तरीके का हलाल हराम का सीन ना हो तो वहाँ पे ये प्रेफरेंसेस लोगों की मौजूद है, तो हम ये चीज़ भी सेल आउट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट देखते हैं, नफ्सियात देखते हैं, प्रेफरेंसेस क्या है लोगों के, क्या रिवाज हैं, क्या आदतें हैं, क्या एटीट्यूड्स हैं, उसके मुताबिक वो चीज़ों को प्रमोट करवाता है, प्रोडक्ट्स को प्रमोट करवाता है, उनके चीज़ों की डिज़ाइनिंग, कंपेन और ये तमाम चीज़ें उसके मुताबिक करवाता है। कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट, एक कंज्यूमर साइकोलॉजी के अंदर हम यही चीज़ स्टडी करते हैं कि प्राइसिंग कैसी हो, टारगेट कैसा हो, मैसेज कैसा हो और क्या प्रेफरेंसेस, क्या जो है लोगों के रिवाज हैं और हैबिट्स हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और सब्सक्राइब कर दें प्लीज़।